तो फ्रेंड्स, अगर आपने गलती से भी अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बदलने वाली है। मतलब जो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप उसे अप्लाई करते हैं अगले 2 महीने के अंदर, तो आपका जो गेट एग्ज़ाम है वो निकलेगा ही निकलेगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ऐसा क्या है, मतलब क्या ये रॉकेट साइंस है? रजे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया का हर टीचर जो भी गेट मैकेनिकल या किसी भी गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराता है, 15 जनवरी के बाद, ठीक है, 15 जैन के बाद हर टीचर आपको यही गेट की स्ट्रेटजी बताने वाला है। बट द थिंग इज़ कि जब तक आपके पास ये स्ट्रेटजी पहुँचेगी तब तक मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा, ठीक है। तो मतलब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या है ये द बिग डैडी ऑफ ऑल गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, मतलब ये गेट प्रिपरेशन का ब्रह्मास्त्र ये क्या चीज़ है। पर उससे पहले राजी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गेट 24 या 25 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए नए बैचेस शुरू किए हैं। इन बैचेस के अंदर मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊँगा, एक एक कंसेप्ट समझाऊँगा, एक एक डेरिवेशन आपके हाथ से आपसे सॉल्व करवाऊंगा और न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। मतलब ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, आप किसी भी लेक्चर को कभी भी एक्सेस कर सकते हो, जितनी मर्जी बार एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और मतलब द क्वालिटी इट इज़ सिंपली वन ऑफ द बेस्ट इन कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो फीस है इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल वन। तो अगर आप चाहो तो जो नए बैचेज हैं, आप हमारी एंड्रॉयड ऐप मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो राजीव, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जो मतलब ब्रह्मास्त्र है गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन का, ठीक है। तो राजीव, अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है, ठीक है, या बिल्कुल ठप पड़ी और आपको कोई उम्मीद नहीं है कि अगले 2 महीने में आप कुछ कर पाओगे, द बेस्ट थिंग इज आप सारी किताबें उठा के साइड में बंद करके रख दो, ठीक है, एंड जस्ट फोकस ऑन गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि वीडियो बंद कर दें। बट राजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। मतलब मैंने पहली बार 2008 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ाना शुरू किया था 2008 में। 2012 में मैंने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया था गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन के लिए। अब रजे, मैं 2012 से मैं देख रहा हूँ, हर साल जब अप्रैल मई जून में नए बैचेस शुरू होते तो एक हवा चलती है, ठीक है, कि अब जो गेट है वो टफ हो गया है, नए पैटर्न्स आ रहे हैं, नई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, गेपी वाइज क्यूज की कोई महत्व नहीं है। और जैसे से टाइम बीतता जाता है, इन द मंथ ऑफ जैन, मतलब 15 जैन के बाद इंडिया का एक एक टीचर इस बात को एडमिट करता है और इस बात को बच्चों को बोलता है कि फोकस ओनली ऑन गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू दे डू इट, ठीक है। उसका वन एंड ओनली रीजन क्या है कि नियरली 70% ऑफ द गेट एग्जाम इट इज रिपीटेड, ठीक है, 70% गेट पेपर जो है वो रिपीटेड होता है। यहां पर पॉइंट नोट करने वाला ये कि आई एम नॉट सेइंग कि गेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि गेट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट होते हैं, गेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो रजिए, अगर आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप मार्केट में जो अवेलेबल है वो नियरली 30-35 ईयर्स के अवेलेबल है, अगर आप पिछले 20-25 ईयर्स के भी अगर आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करते हो, ठीक है, तो मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पाँच छः क्वेश्चंस आपके सभी के प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपके सभी जो फॉर्मूले हैं वो अलग से नोट डाउन हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इतना करके जाते हो तो आप अपना मनचाहा रिजल्ट जो भी आप चाहते हो इस 2 महीने के प्रिपरेशन से, वो कुछ भी हो सकता है, किसी को सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है, किसी को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, किसी को NITs पहुंचना है, किसी को IITs पहुंचना है, ठीक है। तो जो भी आप रिजल्ट चाहते हो वो निकल आएगा इस 2 महीने की प्रिपरेशन से, ठीक है, अगर आप ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हो तो, ठीक है। अब द थिंग इज कि कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती, इस स्ट्रेटजी के अपने ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी का ड्रॉबैक क्या है कि जब आपको इस स्ट्रेटजी पता लगती है 15 जनवरी के बाद,
और जैसे इस बार एग्जाम जो है वो 3 और 4 फेब का है, तो आपके पास नियरली 15 डेज होते हैं और आपके पास नियरली 15 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 डे पर सब्जेक्ट आपके पास बचता है। अगर मतलब 1 डे पर सब्जेक्ट, अगर आप पर लास्ट के 15 दिन में भी अगर आप ये स्ट्रेटजी लगाओ कि गेट आप तब भी निकाल लोगे, पर 15 दिन के अंदर मतलब IITs PSUs पहुंचना ये हर किसी की बात नहीं होती, ठीक है। पर अभी आपके पास पूरा दिसंबर है, अभी आपके पास पूरा जनवरी है, पूरे 2 महीने है, 60 डेज का आपके पास टाइम है, तो अगर आप 60 डेज अगर आप प्रिपेयर करते हो, स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो, तो एट एन एवरेज आपके पास 4 डेज पर सब्जेक्ट आपके पास अभी भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी अप्लाई करते हो, अगर आप अभी से अपना बेस्ट देते हो स्ट्रेटजी के अंदर, तो मतलब देर इज़ अ हैवी पॉसिबिलिटी कि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो ईमानदारी से, अगर 2 महीने आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप मतलब जो भी आपको रिजल्ट चाहिए आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको अप्लाई करनी कैसे, ठीक है। गेट प्रीवियस क्वेश्चंस हर कोई कह रहा है कि हाँ करो, तो इस्तेमाल करना कैसे, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्या करना है आपको, अगर आप 3 से 4 घंटे में या 5-6 घंटे में अगर आप एक पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले सकते हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो आप पूरे सब्जेक्ट को एक बार 5-6 घंटे लगाकर आप रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते, इफ़ यू फील कि ये टाइम बहुत कम है, यू नीड मच मोर टाइम, तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप सिंपली सीधा सारी किताबों को साइड में रखिए और सीधा ही गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए डायरेक्ट। कोई रिवीजन, कोई प्रिपरेशन जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। एंड ऑफ कोर्स वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे बिकॉज आपको कोई प्रायर नॉलेज है ही नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, अगर हो रहा है तो ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज पीछे सॉल्यूशन में से देख के समझिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, और जो फॉर्मूला है उसे एक अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉर्मूला कॉपी भी बोलता हूँ, ठीक है। और मार्केट में यही चीज़ बिकती है हैंडबुक के नाम से, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि इस हैंडबुक के ऑथर आप होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है डायरेक्टली सीधा, और वो क्योंकि सॉल्व नहीं होगा बिकॉज यू हैव गॉट नो नॉलेज, आप पीछे से सॉल्यूशंस देख के उसे समझने की कोशिश कीजिए, जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसे अलग से नोट कर लीजिए। जब आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड कि एक ही फॉर्मूले के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। दीज आर अब जोन से टॉपिक्स, जोन से फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास एंड यू हैव टू फोकस ऑन देम मोर। और कुछ ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्यूशन देके मतलब हवा भी नहीं लगेगी कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। खास बात बताता हूँ इन क्वेश्चंस की कि ये जो क्वेश्चंस है ये आप देखोगे कि इस वैरायटी के, इस टॉपिक के, इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस पिछले मतलब 20-25 सालों में 1, 2 या 3 बार आए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें रहने दीजिए, उन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, उन टॉपिक्स पे, उन फॉर्मूलों पे फोकस कीजिए जो ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हर वैरायटी के, हर फॉर्मूले के क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट वाले जो है 5-6 बार, कुछ के तो इससे भी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, और उस उतना मतलब अभी 2 महीने के लिए काफ़ी रहेगा कि मतलब आप एग्ज़ाम सॉल्व कर पाओ। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्या, एक तो रिवीजन इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो भी सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो, ठीक है। आपने जैसे पहले 4 दिन लगा के एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया, उसके PYQs कर लिए, फिर अगला सब्जेक्ट करोगे तो साइड बाय साइड पहला रिवाइज करना, फिर तीसरा करोगे तो पहले दोनों रिवाइज करना, रिवीजन इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि टेस्ट सीरीज, इसको लगाना, टेस्ट सीरीज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट सीरीज एक जो एक्सपोजर है, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बड़ी जरूरी है, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो आपको बताना भूल ही गया, जो मैंने आपको बताया था कि अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष चंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर जो मैंने GATE 24 जो 2 महीने बाद और GATE 25 जो अगले साल होगा, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो आएगा, उनके लिए जो मैंने नए बैचेस शुरू किए हैं उसके अंदर एट प्रेजेंट मैं टेस्ट सीरीज जो है वॉर्थ 1500 रुपीज़ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो अगर आप नया बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आपको बैच के साथ ही फ्री मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजी अगर कुछ नहीं वर्कआउट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, और सिर्फ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो। इंडिया का एक एक टीचर आपको ये काम करने को कहेगा, पर कहेगा 15 जनवरी के बाद, ठीक है। वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट द थिंग इज तब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, सिर्फ 15 दिन का टाइम होगा। आज की डेट में आपके पास नियरली 60 डेज का टाइम है, 15 सब्जेक्ट आपके पास खुला टाइम है, आप चाहें तो सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़े आराम से, बहुत ढंग से
आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रिपरेशन करके जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ अपनी 2 महीने की मेहनत से जो जेन्युइनली जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। द थिंग इज यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन दीज 2 मंथ्स, ठीक है। और अजय अब मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ना मैं आपको ये कहूँगा कि बेल आइकन दबाइए, ना मैं आपको ये कहूँगा कि आप नीचे कमेंट्स लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो की, इस लेक्चर की ज़रूरत आपके सभी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इस वक्त ऑलमोस्ट सभी लोग बैठे होते हैं कि लास्ट मोमेंट आ गई है, प्रिपरेशन सही नहीं चल रही, क्या करें। और ये वीडियो जिसके भी हाथ लगेगा उसकी गाड़ी चल पड़ेगी, उसका फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। हम जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।